धन गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्मी रचना जपजी साहब, जिस दी ए 16वीं पौड़ी अगम्मी विचारां साढ़े सामने रखती है। पंच सिरमौर मुखी नूं पंच कहिंदे ने, और पंच वास्तविक कौन है जो जगत संसार दी प्रमुखता नाल जुड़ जाए, तो प्रमुख शक्ति कौन है? परमात्मा। और जो उस नाल जुड़ गया वो पंच है। ऐसा जिहड़ा पंच है, पंच परवान पंच प्रधान, ऐसा जो पहुंचे होया पंच है, वो प्रधान पुरख है, सिरमौर मनुख है। मनुखां विचों ओ सिरमौर है, जैसे पंछियां विचों हंस, जैसे वनस्पति विचों चंदन, जैसे पत्थरां विचों हीरा पारस। इसे तरीके दे नाल मनुखां विचों ओ प्रधान है जो पंच है, और वो पंच है जिस दी संसार दी प्रमुखता नाल बन आई है, प्रमुख शक्ति नाल जो जुड़ गया है, वो संसार विच प्रमाण मनुख है, प्रधान मनुख है। पंचे पावे दरगे मान, जिथे वो संसार विच प्रधान है प्रमाण है, उत्थे दरगाह देच भी ओ मान सन्मान पांदा है। प्रभु दी दरगाह देच भी ओ प्रमाण मनुख है, प्रधान मनुख है। पंचे सो है दर राजान, वो जो पंच है ओ राज दरबार विच भी सुभाए मान होंदा है, भाव राजनैतिक भी उसका सन्मान करते ने, संसार भी उसनु प्रमाणिक पुरख मनदा है, और प्रधान जान के सजदा करदा है। दरगाह देच भी वो मान सन्मान पांदे ने। पंचा का गुर एक ध्यान, क्योंकि ऐसे जिहड़े पंच पुरुष ने उन्हां दा ध्यान सदा एक गुरु दे च रहिंदा है, भाव सुरत हमेशा शब्द विच जुड़ी रहिंदी है, खेड सारी ध्यान दी है। जिस कम विच ध्यान नहीं वो कम सिरे नहीं चढ़दा। रस्ते दे चलने आ ध्यान नहीं तो मनुख मार्ग विच भटक सकदा है। ध्यान दे ही सारी महिमा है। जबान जिस नाल गुफ्तगो कर रही है, अखां उसे नूं ही वेख रही ने, और कन उसे नूं सुन रहे है। पर ये पता किस तरह चलेगा कन्ना नूं अखां नूं ते जबान नूं? जिसनों मैं सुन रहा मैं उसे ही वेख रहा, और जिसनों मैं वेख रहा मैं उदे नाल ही गलबात कर रहा, उस नाल ही बोल रहा, और जिस नाल मैं बोल रहा मैं उसे ही सुन रहा। ये किस तरह पता चलेगा? ध्यान करके। ध्यान दे दागे अखा जबान ते कन परोए होए ना होन तो फिर पता भी नहीं चलता किस नाल बोल रहे हैं, किसनों वेख रहे हैं, किसनों सुन रहे हैं। सब कुछ लड़खड़ा जाएगा, सब कुछ बेतरतीब हो जाएगा। पर ध्यान करके ही ए बकायदा श्रृंखला जुड़ी रहती है। मैं जिसनों वेख रहे हैं उसे नाल ही बोल रहे हैं, और जिस नाल बोल रहे हैं उसे नूं ही सुन रहे हैं, और जिसनों सुन रहे हैं उसनों ही वेख रहे हैं। ए एक ध्यान करके ही पता चलता है। ध्यान अक्सर मनुख दा बाहर जांदा है, संसार विच जांदा है। संसार अपने आप विच एक ऐसी कशिश रखता है, ध्यान नूं खिंचदा है, और ध्यान दे राहीं मनुख दी सारी चेतन शक्ति नूं भी खिंचदा है। सहज सहज एक दिन मनुख बिरध होके अचेत हो जांदा है, चेती शक्ति गवा बैठदा है,
सोच शक्ति गवा बैठता है, पर जे किधरे ध्यान अंतर्मुखी है, सुरत शब्द दे जुड़ गई है, ध्यान शब्द दे जुड़ गया है, गुरमंत्र दे जुड़ गया है, ऐसा मनुख भावे शरीर दे तलते बिरद हो जाए, उसका हाफजा कमजोर नहीं होता, उदी चेते शक्ति कमजोर नहीं होती, उदी विचार शक्ति कमजोर नहीं होती, उदी सोच शक्ति कमजोर नहीं होती। गुरमुख कदे बुढ़े नाई, जिन अंतर सुरत ज्ञान, बल्कि उम्र दे वधदियां बिरद होंदियां उन्हां दा ज्ञान आसमानों तो भी अगे जान लग पैंदा है। कारण सुरत शब्द दे जुड़ी हुई है, ध्यान शब्द दे जुड़े होया। पंचा का गुर एक ध्यान, ऐसे जो पंच जन ने उन्हां दा ध्यान एक गुरु विच जुड़िया रहिंदा है, भाव शब्द दे जुड़िया रहिंदा है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। प्राचीन ऋषि मुनि संत जन महात्मा खोजन ते गए प्रभु नु, साधना ते करन गए ध्यान दी, लेकिन एक व्यर्थ दे काम विच पै गए। सृष्टि नु किसने चुके आया है? सृष्टि किस आसरे ते खड़ी है? ये सूरज चंद तारियां दा आधार की है। ध्यान निरंकार विच जोड़न दी थां ते ध्यान सारे दा सारा संसार दी तरफ चला गया। अगर ध्यान शब्द दे जुड़दा ते निरंकार दा बोध हो जांदा, तो निरंकार दे बोध दे नाल संसार दा बोध अपने आप हो जाना सी। पर ओ ते अपनी सारी शक्ति संसार दे बोध विच लगाण ते तुल पै, और सिट्टा उन्होंने की कढ़िया, तत् की कढ़िया कि जमीन धौले बैल ने चुकी हुई है, चिट्टे रंग दा बल्द है उसने चुकी हुई है। इसते गुरु नानक देव जी महाराज प्रश्न करते हैं और फिर दसते हैं वास्तविक धरती दा आधार कौन है। जिथे ऋषि मुनिया ने, उपनिषदा दे ज्ञाता ने, पुराणा दे रचनहारा ने एक कह दिता धोले बैल ने चुकया होया, और एक सिंह दे उते चुकी हुई है। जदों वो थक जांदा है दूजे सिंह ते चुकदा है, भौचाल आंदे ने, धरती हिलदी है। इतिहादक विचारां जमीन दे संबंध च हजारां साल तक प्रचलित रहियां, विज्ञान तो सच्चाई तो वांझे मनुख अजे भी इसी लकीर नूं जह पिट रहे ने, इसी मनोद दे आसरे ते जी रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे प्रश्न खड़ा करदे ने, जे को बुझै होवे सच्चार। अगर वाकई किसने जान लिया धरती दे राज नू, ते दावा करे सच्चार होण दा कि धौले बैल नहीं चुके है, मैनू समझ आ गई, पता चल गया, तो गुरु नानक प्रश्न करदे ने, धौले ऊपर केता भार। उस धौले बैल ते फिर भार कितना होया? पहले ये तो सोचो, ये सारी सृष्टि, ये सारा भार वो धौला बैल चुक लवेगा? चलो मन लेने हैं, धौला बैल चुक लवेगा। पर एक होर प्रश्न खड़ा होता है, धरती होर परे होर होर, तिस्ते भार तले कौन जोर। होर धरतियां ने, होर धरतियां ने, एक धरती थोड़ी है। क्या फिर सारे ही ये जो ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे धरतियां ने
इन्हां दे थले धौला बैल खड़ा है। तां फिर एक प्रश्न होर खड़ा हुंदा, तिसते भार तले कौन जोर, फिर उस धौले बैल दे थले कौन है, वह किस आसरे ते खड़ा है। ते जे कहो ओ थले होर धरती ते खड़ा है, तो फिर वह धरती किसते खड़ी है। ते जे आखो ओ धौले बैल ते खड़ी है, तो फिर वह धौला बैल किसते खड़ा है। ते जे फिर आखो ओ होर धरती ते खड़ा है, तो आखिर किसे थां ते ते गल मुकानी पैगी कि धौले बैल दे थले कुछ नहीं, वह आपे ही खड़ा है। तो फिर ये आखण दे संकोच की हो, धरती आपे खड़ी है, विचकार धौले बैल नूं ल्याण दी की लोड़ पै गई। अगर धौले बैल ने चुकी हुई है, तो धौले बैल नूं किसे ने चुकया होया? अगर धौले बैल नूं किसे ने नहीं चुकया होया, तो फिर ये आखण विच की संकोच है, धरती नूं किसे ने नहीं चुकया होया? गुरु नानक देव जी महाराज दे ये प्रश्न और इसते संबंध विच सही जानकारी फिर गुरु नानक देव जी महाराज ये देंदे ने, धौल धर्म दया का पूत। वास्तविक धौला बैल कौन है? धर्म मर्यादा नियम, प्रभु दा बनाया होया नियम, जो उसकी दया तो बने है, उसकी रहमत तो बने है, उसकी बख्शिश तो बने है। दया का पूत, जो दया दा पुत्र है, उस तो ही ये नियम बने है, और प्रभु दे बनाए हुए नियम करके ही धरती खड़ी। नियम उसका की है? हर ग्रह नक्षत्र की एक दूजे विच कशिश है, और सारे ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे एक दूजे की कशिश से खड़े हैं। एक कशिश, एक खिंचाव, एक ग्रेविटेशन, एक कशिश उस परिपूर्ण परमात्मा ने आप बनाई है, ये उसकी मेहर तो बनी है, ये उसकी दया तो बनी है। दरअसल दया होवे तो फिर किसे पे कशिश पैदा होके उसते तरस आवेगा, उसकी कुछ मदद करन नो जी करेगा, पर उपकार सारे दा सारा दया तो पैदा होंदा है, सेवा सारी दी सारी दया तो पैदा होंदी है। ये एक प्रभु का बनाया होया नियम है, दया तो बिना परोपकार नहीं, दया तो बिना सेवा नहीं, दया तो बिना संभाल नहीं। जिथे जिथे मनुख जिस दे प्रति कठोर हो जाता है, उस तो नजरा फेर लेंदा है, और कठोरता आई संबंध टूट गया, दया आई संबंध जुड़ गया। प्रभु की दया सारियां ते है, इस वास्ते ये जो प्रभु ने नियम बनाया, मर्यादा बनाई एक दूजे की कशिश, कठोर मनुख कशिश विहीन हो जाता है, किसी नाल संबंध नहीं रहता, जगत नाल संबंध दयालु का ही जुड़ सकता है, कठोर मनुख का नहीं। कठोर मनुख के सामने प्यासा मर जाएगा, पानी नहीं पिलाएगा, लोड़वंद तड़प तड़प के तड़प जाएगा, उसकी लोड़ पूर्ति नहीं करेगा। परिपूर्ण परमात्मा ने एक दूजे की कशिश से सब कुछ नु टिका दिता है, और यह एक नियम है, धर्म है, जो प्रभु की दया तो पैदा हो है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। अकाल पुरख दा ए नियम एक तार बजा होया है संतोख दे सूत दे। अगर ए धागा टूट जाए तो संसार दे सारे मणके बिखर जाणगे। प्रसन्न है शेर अपनी थां ते, शेर गिद्दड़ जैसा नहीं होना चाहता। प्रसन्न है गिद्दड़ अपनी थां ते, गिद्दड़ रिछ जैसा नहीं होना चाहता। प्रसन्न है रिछ अपनी थां ते, रिछ हाथी जैसा नहीं होना चाहता। प्रसन्न है हाथी अपनी थां ते, हाथी सप जैसा
नहीं होना चाहता। सप प्रसन्न है अपने सप होने विच, सप कीड़ा ते होर मकोड़ा नहीं होना चाहता। दरअसल जिथे जिथे जीवां नूं प्रभु ने टिका दिता है, संतोख दे सूत्र दे सारियां नूं भरो दिता। करीबन करीबन हर जीव, चाहे बनस्पति है चाहे पशु पक्षी ने, अपने आप विच संतुष्ट ने, अपने आप विच राजी ने। जिस दिन मनुख दे अंदर भी इस संतोख दा सूत्र एक तार पैदा हो जाए, तो फिर सारा खिंडाओ जो इस दे मन दा है वो एक हो जाता है। खिंडिया होया मन क्योंकि असंतुष्ट है, यही कारण है कि अतृप्त है मनुख, कदी रजदा नहीं, कदी रजदा नहीं, असंतुष्ट है, असंतुष्ट है क्योंकि खिंडिया होया है। ये मन के सारे बिखरे हुए ने, अगर ये किधरे संतोख दे सूत्र दे आ जाए तो सारे मन के इस दे जुड़ जान और टिकाओ इसनु नसीब हो जाए। वास्तविक जो धर्म है ये दया करके है, संतोख करके है। अगर संतोख नहीं तो मनुख अपनी सुरत शब्द दे जोड़ नहीं सकता। अगर दया नहीं तो मनुख संसार दे नाल सेवा दा संबंध जोड़ नहीं सकदा। जुड़ना है संसार नाल, जुड़ना है निरंकार नाल, जुड़ना है मूल नाल, पर जुड़ना है उस नाल जो मूल तो उत्पत्त होया है। जुड़ना है जड़ा नाल, जुड़ना है फुल फल ते शाखा नाल, पर जे दया नहीं तो संसार नाल जुड़ नहीं सकेगा। पर जे संतोख नहीं तो निरंकार नाल नहीं जुड़ सकेगा। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। अगर कोई कहे नहीं, वाकई धोले बैल नहीं सृष्टि नु चुके होया, तो जे को बुझे होवे सचियार। अगर ऐसा उसने जाने बुझे है ते सचियार होण दा दावा करे, तो फिर ओ दसे उस धोले बैल दे किन्ना क भार है। फिर वो धौला बैल किस धरती ते खड़ा है, तो उस धरती दे थल्ले फिर कौन है। जे कहिए धौला बैल है, तो फिर वो धौला बैल किस धरती ते खड़ा है। धरती होर परे होर होर, तिस्ते भार तले कौन जोर। साहिब कहते हैं वास्तविक धौला बैल धर्म है, नियम है, मर्यादा है, जो परमात्मा दी दया तो पैदा हुई है। तो जीवां नूं उस दी दया नहीं संतोख दे धागे विच परो के रखिया होया है। सारे जीव जंत अपनी अपनी थां ते संतुष्ट ने। जिस दिन साधना करदे आ मनुख संतुष्ट हो जाता है, मनुख दे अंदर परमात्मा दा प्रकाश प्रगट हो जाता है। जे कहिए नहीं धौले बैल ने चुकिया होया है, तो ये दलील ज्ञान विज्ञान ते समय दी कसौटी ते पूरी नहीं उतरती, नहीं उतरती। जी जात रंगा के नाम, सबना लिखिया उड़ी कलाम। अनंत जीव, अनंत उना दियां जातां, वख वख रंगा वाले और वख वख नामा वाले, सारियां दुते उस परिपूर्ण परमात्मा ने अगम्मी कलम नाल लिख दिता है। उना दा रहन सहन, उन्हां दी तर्जे जिंदगी, उन्हां दा जीवन बसेरा, उसे मुताबक वो अपना जीवन बतीत कर रहे ने। एओ लेखा लिख जाने को, लेखा लिखया कहता होए। अगर कोई ये पूरे का पूरा जानना चाहे, कितने जीव ने, कितनिया जातां वाले ने, किन्ने नामा वाले ने, उन्हां दी तर्जे जिंदगी की है, अगर इस ढंग का कोई लेखा जानना चाहे, तो महाराज कहते हैं अंदाजा लगा के वो लेखा किन्ना क होवेगा, केता होए, किन्ना होए। भाव साहब ये कह रहे ने कि सब कुछ लेखे विच नहीं आ सकेगा। केता तान सवालो रूप, केती दात जाने कौन कू।
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਗਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਕੌਣ ਨਾਪੇ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਇਤਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਗਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾਪੇ, ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖੇ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ, ਲੱਖਾਂ ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿਧਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੋਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਐਸੀ ਭਾਵ ਤਰੰਗ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਉਹ ਦਾਤ, ਉਸਦਾ ਉਹ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਭਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਵ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਵ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ,
असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जामा एक बार जो तुद भावे साई भलिकार तू सदा सलामत निरंकार। मैं कौन हां हे करतार तेरी कुदरत भी विचार करा मैं ते एक वारी भी तेरे तो सदके नहीं हो सकदा भाव इन्ना तुच्छ हां। जो तुद भावे साई भलिकार जो तेनू भावदा है सब चंगा है सब ठीक है तू सदा अटल है आकार तो रहक है व्यापक है तेरी रचना दे अंदर असंख जप असंख भाव असंख जपीश्वर ने मंत्रां दे जप विच लीन रहंदे ने और तेरे नाम दा जप करदे रहंदे ने करदे रहंदे ने। असंख ऐसे ने जो हर वक्त भावना च रहंदे ने श्रद्धा विच रहंदे ने। असंख तो मुराद संख्या नहीं हो सकती गिनती नहीं हो सकती भाव अनंत ने बेअंत ने ऐसे जो जप कर रहे ने भावना विच जी रहे ने श्रद्धा विच जी रहे ने। असंख जपीश्वर ने मंत्रां दे जप विच लीन रहंदे ने और तेरे नाम दा जप करदे रहंदे ने करदे रहंदे ने। असंख ऐसे ने जो हर वक्त भावना च रहंदे ने श्रद्धा विच रहंदे ने। असंख तो मुराद संख्या नहीं हो सकती गिनती नहीं हो सकती भाव अनंत ने बेअंत ने ऐसे जो जप कर रहे ने भावना विच जी रहे ने श्रद्धा विच जी रहे ने। असंख पूजा असंख तपताव अनंत ने ऐसे असंख ने ऐसे जो तरह तरह दे पूजा इत्यादिक विच जुटे हुए ने और अनंत ने ऐसे जो गर्मियां दे दिन च धूने तपा के अपना तन तपांदे ने। इस तरह दी वो धार्मिक साधना करते ने। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ